दादी माँ के घर पर, और दादी माँ के घर पर किस तरह से सेवा दी जा रही है, जिस तरह से दादी माँ हमेशा ही जब लोगों की मदद करती है तो उसे एक सेवा का रूप देती है, उसे एक सेवा के रूप में देखती है। बताइए कि जो आज आपने यहाँ पे अन्न दान किया है मीडिया कर्मचारियों को, और क्या जो छोटे लोग हैं जिन्हें बोने कहा जाता है या शॉर्ट हाइट किया जाता है, तो उनके बारे में आपने अनाज दिया, उनके बारे में थोड़ा विस्तार से। जी देखिए, जय श्री राधे माँ, जय माता दी। राधे माँ जी का आदेश है कि कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए। तो जैसे जैसे हमारे को कॉल कर रहे हैं लोग, जैसे मीडिया वालों के फ़ोन आए हमारे को कि हमारे को अन्न की ज़रूरत है, कैमरामैन हो गए, मीडिया कर्मचारी हो गए, फिर अपने शॉर्ट हाइट हो गए, विकलांग लोग हो गए, तो जैसे जैसे लोगों का हमको कॉल आ रहा है, हम लोग वैसे वैसे माँ जी का आदेश है कि सबको देना है, कोई रहना नहीं चाहिए, भूखे पेट नहीं सोना चाहिए। तो इसलिए ममता मिश्र राधे माँ जी का यही ज्ञान है, क्योंकि माँ है ना, तो माँ के लिए तो सब बच्चे एक समान हैं, तो माँ का यही आदेश है कि कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए। तो इसलिए हम लोग अन्न दे रहे हैं और अन्न की सेवा कर रहे हैं। तो इसलिए अनाज जो जो आप देख रहे हैं, तो जैसे अभी मान लो सर्दी का मौसम होता है तो राधे माँ जी की तरफ से कंबल दिए जाते हैं, गर्मियों का मौसम होता है तो गर्मियों के कपड़े दिए जाते हैं। जैसे अभी थोड़े समय पहले जो शॉर्ट हाइट वाले आए थे, इनको हमने कपड़े वगैरह बच्चों के, बड़ों के, हर एक प्रकार के दिए थे हमने, और अनाज वगैरह दिया था, कंबल दिया था। जैसे हम लोग कुछ ना कुछ जो भी प्रार्थना रखते हैं माँ जी के चरणों में, तो हम लोग वो लोग हम प्रार्थना करके माँ जी को आदेश जैसे होते हैं तो हम लोग वैसे वैसे उनको प्रोवाइड करते हैं। हाँ जी, क्वारंटाइन सेंटर में जो अपने गोपाल शेट्टी जी हैं, MP हैं इधर के हमारे बोरीवली के, तो उनको हमने 100 पंखे दिए कोविड सेंटर के लिए, तो उन्होंने 100 पंखे जो है वो अभी लगाएंगे जहाँ जहाँ पर उनको ज़रूरत है, तो ऐसा करके। ये सीमा जी हैं, नमस्कार। तो इनका जब भी फ़ोन आता है कि राधे माँ जी की तरफ से हमको कुछ ना कुछ हेल्प चाहिए, जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है तो हमारे को अनाज की अपने यानी कि अनाज चाहिए हमारे को, तो हमने बोला ठीक है, हमने प्रार्थना रखी माँ जी को, तो माँ जी की आज्ञा है कि जो भी आते हैं तो उनको जहाँ से खाली नहीं भेजना, तो कुछ ना कुछ जरूर दे के भेजना है। जैसे हम लोग टाइम टू टाइम इनके लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, मदद करते रहते हैं, तो बाकी आप सीमा जी से पूछेंगे तो वो बताएंगे। जय माता दी, जय श्री राधे माँ। हाँ जय माता जी। मैं बाबा जी को कभी भी एनी टाइम फ़ोन करे तो कभी मेरे को नहीं बोलते, नहीं कभी भी मदद करते, मेरे राशन का, धान्य हो, कुछ भी हो, एक कंबल का, सब का मदद करते, कभी मेरे को नहीं ऐसे बोले नहीं, रात को भी बुलाते कभी भी। लॉकडाउन में हाँ कुछ ना कुछ परेशानी होगी, तो क्या सरकार से आप कुछ कहना चाहेंगे? सरकार तो अभी तक मतलब हम लोग को कुछ मदद नहीं किए, बाकी इधर हम लोग कुछ अपेक्षा करेंगे कि कौन सी दुकानें खुलना चाहिए, कौन सा क्या होना चाहिए, आप लोग के क्या कारोबार है, किस तरह के हैं, और लॉकडाउन में किस तरह की मदद आपको चाहिए? सरकार मतलब दिव्यांग लोगों का थोड़ा फार तो मदद करना ही चाहिए ना, हम लोग का सरकार कुछ यही नहीं करते, मतलब कुछ सोचते ही नहीं हमारे बारे में। आज तक हम लोग इतना न्यूज़ देखते हैं लेकिन हमारे बारे में एक भी ऐसा कुछ उन्होंने किया नहीं है, तो हमारे लिए कुछ करेंगे ऐसे हम लोग ये करते आशा करते हैं बस। माँ जी, जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में कई लोगों के पास बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, कोई कोरोना वायरस से परेशान है, तो कोई रोज़गार से परेशान है, कोई अपने खाने पीने की समस्याओं से परेशान है, तो उस विषय पे आपका क्या कहना है? और जिस तरह से आपने कोविड के लोगों के लिए एम्बुलेंस, पंखे ये देने का काम किया, आज आप अन्न बांट रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। जय कारा राधे दी माँ जी दा, बोल सच्चे दरबार की। हमें राधे माँ जी का ये हुक्म आया है कि जो भी अन्न सेवा के लिए पूछ रहा है कि हमें ज़रूरत है, तो देमा जी ने हुक्म दिया किसी को मना नहीं करना कि इस टाइम हमको ज़रूरत है। तो जैसे जैसे हमें पता चलता है टली बाबा के थ्रू, संगत का फ़ोन आता है या दुखियों का फ़ोन आता है कि हमें ये ज़रूरत है, तो देमा जी का हुक्म है उनकी जो जो इच्छाएँ हैं वो पूरी की जाए, जितनी यथाशक्ति हम लोग सेवा कर रहे हैं। आने वाले वक्त में और किस तरह की आप मदद देंगे लोगों? जैसे जैसे पता चलता जाएगा, जितनी यथाशक्ति होती जाएगी, राधे माँ जी का जैसे हुक्म आता जाएगा हम करते जाएंगे। अब हमें नहीं पता किसी की क्या इच्छा है, जैसी भी होगी कोशिश करेंगे पूरी करने की, देमा ने जो आदेश दिया है। आप जैसे लोग कुछ ना कुछ तकलीफ होती होगी, तो क्या थोड़ा उसके बारे में जानकारी देंगे कि किस तरह की आपको अभी आपको लॉकडाउन कोरोना के दौरान जो लॉकडाउन हुआ है, इस दौरान आपको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, क्या तकलीफ हो रही है वो जानना चाहूँगा। हेलो, मैं पहला धन्यवाद जय माता जी का करता हूँ जिसने हम लोग को बुला के ये हम लोग को सामान दिया, क्योंकि लॉकडाउन में ऐसा बेहाल हो गया, हमारे जितने बंदे हैं शॉर्ट हाइट के बहुत बहुत मतलब बहुत ही दिक्कत हो गए,
किसी के घर पे राशन नहीं है, किसी की इनकम बंद हो गई, जो जो धंधा पानी करने वाले हैं वो सर उनके बेहाल हो गए, और इसमें जो जो हमारा साथ दिया जय माता जी ने उनका मैं शुक्र अदा करता हूँ। तो ये पहली बार राधे माँ की तरफ से आपको कोई हेल्प हो पा रही है, इससे पहले भी आपको काफ़ी बार राधे माँ हमेशा आपकी हेल्प करती रहती है? नहीं, हर साल करती है, हमको बुलाती है, जैसे उनके प्रोग्राम हो या कुछ इवेंट फंक्शन हो उसमें हम लोग आके उनके भक्ति में रंग हो जाते हैं। उनकी तरफ से हेल्प क्या मिलती है? उनके तरफ से ये होता है कि उसने एक अच्छा सीखा है कि करो तो किसी का अच्छा करो, उनसे ये सीखने मिला हम लोग को, और उसने आज जो किया है हम लोग के शॉर्ट हाइट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और हम लोग यही कहना चाहते हैं कि राधे माँ को हाथ जोड़ के प्रणाम करती है, ऐसे ही और भी बंदे हैं उनकी भी हेल्प करो। आज आप जैसे कुछ काम करते होंगे तो उस काम में लॉकडाउन के वजह से कितना फर्क पड़ा है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए, आप क्या क्या काम करते हो? सर हम लोग छोटे लोग हैं, कोई छोटा धंधा करता है, रोजगार करता है, या कोई फिल्म इंडस्ट्री में, जैसे हमारे दीपक भाई है ये फिल्म इंडस्ट्री के, ये अजय भाई है, संजय वाडेकर है, मनोर है, ऐसे बहुत बड़े एक्टर लोग हैं यहाँ पे, पर आज का है ये लॉकडाउन की वजह से फिल्म इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, ना उनको काम मिल रहा है। पिछले 15 महीने से हम लोग घर पे बैठे हैं, तो अभी राधे माँ ने हेल्प किया है हमें, तो उनके लिए शुक्रिया करना चाहते हैं। राधे माँ को कितने समय से जानते हैं, कितने समय से आप समक्ष आ रहे हैं? 3 साल से हम लोग आ रहे हैं। तो आप जब यहाँ आते हैं आपको क्या लगता है, क्या सीख मिलती है, क्या लगता है देवी माँ की तरफ से, क्या कुछ आप सीख पाते हैं? भक्ति सीखते और बहुत सालों से किस तरह से उनसे मदद मिल पाती है अभी जिस तरह से कोविड का कहर है और इस कहर के बीच में किस तरह से हेल्प मिलती है देवी माँ की तरफ से? क्योंकि हम लोग जब भी आते हैं उन्होंने हमको वापस नहीं भेजा, जो भी आए देते जाओ सबको है, बल्कि विजय हमको सबको। आप जान रहे हैं, देख रहे हैं, और उनकी तरफ से कितनी आपको मदद और हेल्प मिल पाती है? हमें हरदम हेल्प और मदद मिलती है, हम 15 सालों से इनको जानते हैं, 15 साल से इनसे संपर्क में। तो राधे माँ के पास जब आप किसी मदद के लिए, हेल्प के लिए पहुँचते हैं कि आपको चाहिए, तो उनकी तरफ से क्या रिप्लाई होता है, क्या तुरंत ही वो रिएक्ट करती है, तुरंत ही आपकी हेल्प की जाती है? हाँ, तुरंत हेल्प भी होता है, कभी कभी आश्वासन भी मिलता है कि अगली बार करेंगे, वैसे हम लोग भी मानते हैं इसलिए। आप क्या कहना चाहेंगे, आप किस तरह देखते हैं राधे माँ की तरफ से, किस तरह से इस महामारी के बीच में आपको मदद मिल रही है? मदद तो हमेशा हेल्प मिलती रहती है, और इस टाइम महामारी में अच्छा हेल्प मिला सबको। इससे पहले वेब जो था कोविड का पहला वेब, उस टाइम पे भी कुछ हम हेल्प? हाँ, उस टाइम पे हेल्प मिला था, राशन का पैकेट वगैरह मिला था, कंबल मिला था, ब्लैंकेट वगैरह। तो जिस तरह से आपने सुना कि यहाँ पर राधे माँ फर्स्ट वेव जो था कोविड का फर्स्ट वेव, उस टाइम पे भी जब लोगों के लिए साथ खड़ी थी, और आज सेकेंड वेव में भी लोगों के साथ है, आप कहाँ से आए हैं? हम मलाड से आए हैं। राधे माँ को कितने समय से आप जानते हैं, और उनको क्या लगता है किस तरह से वो हर किसी के लिए, हर किसी की मदद के लिए हमेशा सामने खड़ी रहती हैं? हम 10 से 11 बरसों में से उनको जान रहे हैं, और जब भी हम लोग को ज़रूरत पड़ी तो ऐसा नहीं लगता है कि हम लोग कहीं और जगह जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अपने घर जा रहे हैं, और वहाँ से मुझे किसी भी तरह का हेल्प मिलती है, और उसने भी करती हैं, चाहे बाबा जी हों चाहे माता जी हों, बहुत अच्छा हेल्प करते हैं, जो भी हम लोग को चाहिए तो बता देते हैं, उस प्रकार की हेल्प मिलती है हम लोग को यहाँ से, इसलिए ममता मई जो राधे माँ है वो ईश्वरीय कृपा उनके ऊपर बनाए रखे, और हम लोग को ऐसे ही जिलाते रहे, और क्या चाहिए। तो कितनी प्रॉब्लम, कितनी समस्याएं हो रही हैं इस लॉकडाउन की वजह से? अभी बताने की क्या ज़रूरत है, तो आप भी जान रही जितनी प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ परिवार चलाना मुश्किल हो गया है, फिर भी ऐसे लोग हैं तो हम लोग जी खा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से अभी इन्होंने बताया कि जब यहाँ आते हैं तो उन्हें एक परिवार जैसा माहौल लगता है, कि अपने घर पर ही हेल्प के लिए जा रहे हैं, तो आप किस तरह देखते हैं जब आप राधे माँ के पास पहुँचते हैं किसी मदद के लिए, कि आपको जब मदद चाहिए होती है? देते हैं, जब भी ज़रूरत पड़ता है, जब भी आते हैं, कभी भी फ़ोन करते हैं, तो जो सेवा चाहिए वो हमें देते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, भगवान की इनकी सदा बस राधे माँ की बस कृपा बनी रहे सभी के ऊपर, और बस ऐसी कृपा करते रहे, और भगवान इनको सदा सुखी रखे, और जो है भगवान की इनके ऊपर कृपा बनी रहे, और जो है भगवान इनके ऊपर कृपा करेंगे तो हम सबके ऊपर भी ये कृपा सदा बनाए रखेंगे। और राधे माँ की तरफ से क्या कुछ आपको दिया गया, आपको लगता है इस महामारी के बीच में सब कुछ बंद है, काम बंद है, कहीं से कुछ नहीं हो पा रहा, तो इसमें कितनी मदद मिल पा रही है? राधे माँ को मैं 15 साल से करता हूँ, 15 साल के अंदर मैं कभी भी आता हूँ तो यहाँ भोजन और दक्षिणा, और कभी भी कुछ मांगता है तो राधे माँ पाबूर को भी देते हैं,
और राधे माँ की कृपा थी हमारा घर अच्छी से चल रहा है। और दूसरी जगह पर जाने से इच्छा होती है कि राधे माँ के मंदिर पर जाए, वहाँ पर मिल जाएगा। अरे यहाँ आता है तो मिलता ही, कभी खाली गया ही नहीं, और अच्छा है राधे माँ। और साधु संतों ब्राह्मणों यहाँ राधे माँ के लिए कौन जाए कहाँ से आता है, कोई दर्द हर शनिवार को यह भोजन लेते हैं, हर शनिवार को भोजन लेते हैं, और भोजन के लिए कहाँ से विराट से चर्चे घर से डोमी वली से कहाँ कहाँ से यहाँ शनिवार को आ जाते हैं, और यहाँ आते भोजन करते हैं और दक्षिणा लेकर आनंद से घर पर जाते हैं। और राधे माँ के लिए हमारी हमारे पर बहुत कृपा है, और ऐसी कृपा करते रहे और माँ उसको अच्छा करे। जैसे माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, और बाबा जी चली बाबा जी भी हैं, इनका भी योगदान है, इनको भी मैं 15-20 साल से पहचानता हूँ, और ऐसी भयंकर परिस्थिति में भी इनका जो मोरल सपोर्ट देते हैं तो उससे हमारा आत्मबल भी बढ़ता है और हमको आगे बढ़ने की आशीर्वाद मिलता है। तो जिस तरह से आपने देखा कि जो एक कोविड महामारी है, इस बीच में लोगों की समस्याएं बढ़ जाती है, ऐसे में बहुत सारे समाज सेवक और सभी लोग सामने आकर जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं, लेकिन यहाँ अगर राधे माँ की बात करें तो राधे माँ कोविड हो या ना हो, हर दौरान ही लोगों की मदद के लिए यहाँ पर होती हैं और हमेशा ही मदद करती हैं। तो वही कोविड के दूसरे वेव में भी जिस तरह से यहाँ से लगातार लोगों की मदद की जा रही है, हर जरूरतमंदों की मदद यहाँ राधे माँ के दरबार से जिस तरह से देखा जाए तो वहाँ से मदद पहुँच रही है। बस आप हमारे साथ ही बने रहिए, आगे और भी खबरों के लिए। सहयोगी नीरज के साथ मैं शानी।